गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स. टुडे आई एम हियर टू टीच यू आर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1. सो लेट्स बिगिन नाउ. ठीक है, चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1. ओके, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट. ठीक है, लेंथ का जो है सेगमेंट मतलब जो लाइन सेगमेंट है मेजर माप क्या है. तो आपको ये देखिए, आप क्या है, ये ए से बी है. तो लाइन सेगमेंट क्या होगा आपका, ए बी. क्या होगा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का मेजर क्या है, ए बी. ओके, उसके बाद कंपेयर द टू लाइन सेगमेंट गिवन बिलो यूजिंग ए डिवाइडर. ठीक है, कंपेयर करना है हमको. ठीक है, कंपेयर द टू लाइन सेगमेंट, ये वन और टू लाइन सेगमेंट है गिवन बिलो यूजिंग ए डिवाइडर. डिवाइडर से हमको यूज करके इसको कंपेयर करना है, तुलना करना है. ठीक है, तो ये देखिए आप इस तरह डिवाइडर यूज़ करेंगे, इसको रख लेंगे ठीक लाइन सेगमेंट पर और इसमें भी. ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे, ये देखिए इस बेस पर. ओके, देखिए आपका लाइन सेगमेंट का है. देखिए भाई, ये वन लाइन सेगमेंट है ए बी. ओके, ए बी, दूसरा सी डी. अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो डिवाइडर जो रख लेंगे तो सी डी जो है बड़ा है. ठीक है, सी डी ए बी से बड़ा है ना सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट ए बी सी डी आर गिवन लो. ठीक, आप तो क्या कर सकते हैं इसको कंपेयर करने पर, आप इसको कंपेयर जब करेंगे तो ये देखिए ये लाइन सेगमेंट ठीक है लॉन्गर है, बड़ा है और ये छोटा है ना. तो एक्स वाई लाइन सेगमेंट लॉन्गर देन ए बी. ठीक है, ए बी से वो लॉन्गर है बड़ा. ठीक है, यही आप लिख सकते हैं, एक्स वाई लॉन्गर लॉन्गर देन ए बी. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एंड पॉइंट ए ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज एट 2 सेंटीमीटर मार्क. द एंड पॉइंट ए ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट इज ए 2 सेंटीमीटर मार्क ऑफ ए रूलर एंड बी इज एट 6.8 सेंटीमीटर. ठीक है, 6.8 सेंटीमीटर पर. अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी. तो लेंथ जो है ए बी का लेंथ पूछ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए ए बी का लेंथ इसमें ये देखिए आप, इसमें देखिए आप ओके, इसमें देखिए आप तीसरे का कहता द एंड पॉइंट ए ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड पॉइंट इज एट 2 सेंटीमीटर मार्क ऑफ ए रूलर. आपका रूलर ये हो गया ठीक है, ये मान लो कितना है पूरा, एंड बी इज एट 6.8 सेंटीमीटर मार्क. ठीक है, बी जहाँ पर है ये आपका बी ए, ठीक है ये ए हो गया. ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ए ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज ए 2 सेंटीमीटर मार्क ऑफ ए रूलर एंड बी इज 6.8 सेंटीमीटर. तो ये मार्क है 2 सेंटीमीटर से. ठीक है, 2 सेंटीमीटर से, 1, 2 पे आ गया. अब देखिए, अब जैसे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया पूरा टोटल रूलर, ये आपका हो गया 1 से ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितना है 6.8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ना, 8 मान लो, ये 9, 8, 10 हो गया आपका, ये 7 आ जाता है. तो एस कहता फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये बी हो गया यहाँ पर आपका. ओके, और यहाँ पर आपका हो गया रूलर पर ए, यहाँ से है आपका. तो ए से बी की दूरी लेंथ क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितने 6.8
8 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ गया आपका 4.8 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया है। यानी ए बी लेंथ क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द गिवन फिगर आर इन द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ पी क्यू, यानी पी और क्यू के बीच का जो एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, आर है, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, यानी आर और एस का मिड पॉइंट क्यू है, वेरीफाइड दैट, इसको आपको वेरीफाइड करना है, यानी पी आर इक्वल टू क्यू एस, पी आर इक्वल टू क्यू एस, या आर क्यू इक्वल टू क्यू एस, या पी आर इक्वल टू आर क्यू। ओके, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल में ही आपका दिया है, देखो ये कह रहा है इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी जो बी है ए सी का मिड पॉइंट है, ओके, द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है, देखो बी और डी, बी और डी के बीच में क्या है, सी है ना, तो मिड पॉइंट बी और डी का मिड पॉइंट सी हो गया, सो दैट ए बी इक्वल टू सी डी, यानी हमको दिखाना है ए बी और सी डी इक्वल टू, तो देखिए इसमें आपका सिंस बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी बी है, बी जो है ए सी का मिड पॉइंट हो गया, ओके, फिर उसको देयर फॉर ए बी इक्वल टू बी सी, इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ए सी का मिड पॉइंट बी है तो ए बी इक्वल टू बी सी, सेम टू सेम है, ओके, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी सी जो है बी और डी का मिड पॉइंट है, बीचो बीच, ठीक है, बीच में, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, देयर फॉर बी सी इक्वल टू सी डी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद तब इक्वेशन नंबर टू दस फ्रॉम वन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी गेट, तो हमको क्या मिलता है, बी से बी मान लो आपका हो गया, तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू बी सी, तो बी सी बी सी तो सेम ही है, तो ए बी इक्वल टू सी सी, ए बी इक्वल टू सी डी, यही हमको निकालना था, ए बी इक्वल टू सी डी, यही, तो उसी तरह इसको करना है आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पी आर इक्वल टू क्यू एस, ठीक है, पी आर इक्वल टू क्यू एस, और आर क्यू इक्वल टू क्यू एस, ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह निकल, इसी बेस पे ये एग्जांपल, इसी एग्जांपल पे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग अपने से, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, मेजर ऑल द लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, लाइन सेगमेंट डू इट सेल्फ, मतलब ये भी आप अपने से करिए, क्योंकि मेजर लाइन सेगमेंट पूछा था, एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया पी क्यू हो गया, वन लाइन सेगमेंट क्या होगा पी क्यू, पी से क्यू वन लाइन सेगमेंट, ये 3 लाइन सेगमेंट है, देखो 1, 2, 3, ओके, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया और पी आर हो गया, ओके, एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट, एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट, ये भी क्या है, इसी तरह जितने भी लाइन सेगमेंट उसको कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जितना हमने बताया इसको आप लोग अपने नोटबुक में राइट कर लीजिए, ओके, नोटबुक में राइट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।